दोस्तों, गूगल एड्स अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके बाद आपने अपनी वीडियोस की कंपेन कैसे बनानी है, बनाने के बाद आपने उसको कैसे रन करना है, अगर आपकी कंपेन डिसअप्रूव्ड हो जाती है तो उसका भी मैंने तरीका जो है आपको बताया। आप मेरे चैनल पे ये तीनों वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपने गूगल एड्स अकाउंट में पेमेंट मैथड कैसे ऐड करना है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी सारी कॉमेंट्स आई कि गूगल पेमेंट कैसे ऐड किया जाता है। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपको नहीं पता कि गूगल एड्स अकाउंट क्यों बनाया जाता है, उसके ऊपर आपने ऐड कौन से रन करने हैं, तो ये आपने अपने चैनल के ग्रोथ के लिए, मतलब कि आपका अगर चैनल ग्रो नहीं कर रहा, आपको व्यूज़ नहीं मिल रहे, सब्सक्राइबर भी नहीं मिल रहे, तो आपने इसके ऊपर कंपेन रन करनी है, यानी कि आपने गूगल को पैसे देने हैं, उसके बाद गूगल आपके एड्स चलाएगा। इससे होगा क्या कि आपको जो है वो व्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि व्यूज़ की बारिश शुरू हो जाएगी और सब्सक्राइबर भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने चाहते हैं और 4000 घंटे पूरे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक जो बाद में आपको बताता चलूँ कि ये जो आपको वॉच टाइम मिलता है गूगल एड्स के थ्रू, तो ये आपका काउंट नहीं होगा, लेकिन आप अपने 4000 घंटे गूगल एड्स से पूरे कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपने अपना पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने अपना गूगल एड्स ओपन कर लेना है। यहाँ पर इसके फर्स्ट पेज पर आएंगे तो ऊपर आपको नज़र आएगा कि टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि बिलिंग के ऊपर आप जब आते हैं तो नीचे आपको नज़र आ रहा है सेटिंग्स एंड ट्रांजेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स और समरी है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है कि सेटिंग्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे पेमेंट मेथड शो होगा। तो मैंने यहाँ पर पहले से ये बनाया हुआ है, तो उसी से मैं आपको जो है बता रहा हूँ। यहाँ पर आप आके आपने अपने यहाँ पर सब आपको जो नज़र आएगा वो आपकी प्रोफाइल नज़र आएगी, तो आपने प्रोफाइल के ऊपर अपनी जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका जो है अकाउंट टाइप आएगा, तो आपने यहाँ पे जो ऑप्शन दी हुई होगी इंडिविजुअल, तो यहाँ पे आपने इंडिविजुअल करना है, बिज़नेस अकाउंट नहीं करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, एक बिज़नेस की और एक इंडिविजुअल, तो आपने इंडिविजुअल करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन जो नज़र आएगी उसमें आपका नेम और एड्रेस है, यह आपने लाजमी से यहाँ पर फिल कर देना है, नेम एंड एड्रेस। यहाँ पर जब आप अपना नेम एंड एड्रेस लिखेंगे उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स लैंग्वेज प्रीफ्रेंस, तो यहाँ पे आपने इसको इंग्लिश में ही रहने देना है। उसके बाद आपका जो है सेटिंग्स के ऊपर आपका जो पेमेंट मेथड है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपने डेबिट कार्ड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंक कार्ड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे आपने वो ऐड कर देना है। मैंने अपना यहाँ पर जो है वीज़ा कार्ड दिया हुआ है, तो इसी से जो है आप, अगर आपके पास कोई भी कार्ड है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल एड्स में जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि इसमें एक लिमिट है, एक महीने में आपने कितने जो है वो पैसे लगाने हैं, यानी कि अगर आप 10,000 की लिमिट रखते हैं तो जब तक 10,000 पूरे नहीं होते तो तब तक जो है गूगल आपके पैसे चार्ज नहीं करेगा। उसके अंदर आप जितने भी एड्स चलाएंगे महीने के अंदर, तो वो आपसे जो है एक महीने के बाद ही पैसे चार्ज करेगा। उससे पहले आपने जितने मर्जी एड्स चलाए हों वो आपके पैसे चार्ज नहीं करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। दोस्तों, अगर मज़ीद आपका कोई ऐसा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे आप वो सवाल पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दीजिए आप इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।